इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कैरेक्टर की एबिलिटी बताने वाला हूं जिसका नाम सबसे खतरनाक कैरेक्टर की लिस्ट में आता है। इसका नाम है लिक्विटा। तो गाइज इस वीडियो में हम लिक्विटा कैरेक्टर की एबिलिटी फुल डिटेल्स में जानने वाले हैं और बीआर मोड और सीएस मोड में इनका यूज़ किस तरीके से होगा, लिक्विटा कैरेक्टर क्या हमें बीआर मोड में काम आएगा या सीएस मोड में काम आएगा, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और किस तरीके से काम आएंगे। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। तो गाइज लिक्विटा कैरेक्टर की पहले हम एबिलिटी जान लेते हैं, फिर बाद में ये जान लेंगे कि ये हमें किस तरीके से काम आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एबिलिटी की। तो गाइज जैसे ही हम दो किल करते हैं तो जो हमारी मैक्स एचपी है उसकी लिमिट 250 हो जाती है। कुछ भी, यहाँ पर मेरे पास लेवल 5 का है लेकिन लेवल 6 की एबिलिटी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। आप जैसे ही दो किल निकाल लेते हो तो आपकी जो मैक्स एचपी है वो 200 की जगह 250 हो जाती है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि बीआर मोड में लिक्विटा कैरेक्टर का यूज़ किस तरीके से होगा। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक एनिमी है, मैंने इसको नॉक किया, अभी इसकी एबिलिटी वर्क नहीं करी। हम जैसे ही किल करेंगे तो इसकी एबिलिटी आप देख सकते हो कि हमारी मैक्स एचपी 222 हो चुकी है। अब मैं थोड़ी दूर आया, हमें एक और बंदा दिख चुका है, इसको भी हमने नॉक कर दिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली इसे किल कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरी जो मैक्स एचपी है वो 264 हो चुकी है। गाइज यहाँ पर 244 होनी थी लेकिन ये बंदे के पास मुझे लगता है कि बेस्ट एचपी बूस्टर रहा होगा जिससे कि हमें 20 एचपी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो लिक्विटा कैरेक्टर की एबिलिटी में अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारी 244 एचपी मिल चुकी है क्योंकि अभी मैक्स लेवल का नहीं है। जैसे ही मैंने तीसरा किल किया तो आप देख सकते हो कि 270 एचपी हो चुकी है मैक्स वाली। तो गाइज ये 270 एचपी हमारी किस तरीके से हुई मैं आपको बताता हूँ। गाइज लिक्विटा कैरेक्टर क्या करता है कि आप जैसे ही दो किल करते हो तो आपकी जो मैक्स एचपी है वो 250 कर देता है। मेरा कैरेक्टर लेवल 5 का था इसलिए मुझे 3 किल करना पड़ा, यदि मैक्स लेवल का रहता तो दो ही किल में मेरी 250 एचपी हो जाती और ये जो हमारी 270 एचपी हुई है वो हुई है बेस्ट एचपी बूस्टर के कारण। तो गाइज बेस्ट एचपी बूस्टर से किया हुआ हमें 20 एक्स्ट्रा एचपी मिल गई और लिक्विटा कैरेक्टर ने 250 एचपी तो दे ही दिया था दो किल करने के पश्चात। तो गाइज लिक्विटा कैरेक्टर बीआर मोड में क्या करेगा कि आप जैसे ही दो किल कर लेते हो तो आपकी मैक्स एचपी 250 कर देता है, जिससे आप समझ ही सकते हो कि आपकी एचपी सामने वाले एनिमी से ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर ज़्यादा फायदा आपको ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि सीएस मोड में लिक्विटा की एबिलिटी किस तरीके से वर्क करेगी। तो गाइज यदि आपको लिक्विटा का यूज़ सीएस मोड में प्रॉपर तरीके से करना है तो आपको एक दो किल तो निकालना, यदि आप एक किल निकाल लेते हो तो इसकी एबिलिटी का आधा यूज़ कर लेते हो और यदि आप दो किल निकाल लेते हो तो पूरा यूज़ यहाँ पर इसकी एबिलिटी का हो जाएगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर है। गाइज जैसे ही आप एक किल करोगे तो आपकी मैक्स एचपी की लिमिट 225 हो जाएगी और जैसे ही दो किल करोगे तो आपकी मैक्स एचपी की लिमिट 250 हो जाएगी। तो वहाँ पर आपकी एचपी होने वाली है 250, सामने वाली एनिमी की रहेगी 200। तो आप समझ ही सकते हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं जैसे ही आखिरी बंदे को निपटाऊंगा तो जो मेरी मैक्स एचपी है 244 से 250 हो जाएगी और यदि मैक्स लेवल का लिक्विटा रहता तो मुझे सिर्फ दो ही किल करना पड़ता 250 एचपी पाने के लिए। और गाइज लिक्विटा कैरेक्टर आपको क्लास स्क्वाड में जोन फाइट में भी काफी काम आएगा। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि सामने वाला एक ही बंदा बसता है और वो लेता हमसे जोन फाइट, तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादातर समय हम मर जाते हैं क्योंकि सामने वाले बंदे के पास अच्छे अच्छे कैरेक्टर रहते हैं एचपी वाले। तो लिक्विटा कैरेक्टर वहां पर किस तरीके से यूज होगा, गाइज आपको शुरू में बस एक दो किल निकाल लेने हैं, यदि आप दो किल निकाल लेते हो तो आपकी मैक्स एचपी 250 हो जाती है। तो वहां पर आप समझ ही सकते हो कि आपकी एचपी रहती है 250, सामने वाली एनिमी की 200, तो जोन फाइट में भी आप आसानी से जीत जाते हो। तो गाइज लिक्विटा की एबिलिटी यही थी कि दो किल करना है 250 एचपी हो जाएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन भी ऑन।